मेरी माँ, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर और सबसे प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और तुम इस तरह मुझसे बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा। पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कह के पुकारोगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।